आइस, मैंने तारे को टूटते हुए तो देखा है, लेकिन आज टोनी स्टार्क बोल रहा है कि तारे को ये उड़ता हुआ दिखाएगा। बिल्कुल फ्रैंकलिन, ये ना स्टार गॉड अब बहुत जल्दी स्काई गॉड की पावर के साथ उड़ने लगेगा। क्यों रे भाई, तू सही बोल रहा था गाइस, तारा हवा में उड़ रहा है, लेकिन कैसे भाई? वो कोई नॉर्मल तारा नहीं है। इसका क्या मतलब है? अरे मैंने सूत्रों से पता लगाया था, वो एक स्टार एंड स्काई गॉड है। पागल हो गया है क्या? ऐसे कैसे पॉसिबल है? अच्छा, यकीन नहीं होता क्या? अभी ऊपर देख, कुछ भी नहीं है गाइस, नॉर्मल लग रहा है। आपको कुछ दिख रहा है क्या? वो तो नॉर्मल। अरे भाई टोनी स्टार्क, ये क्या हुआ? फ्रैंकलिन, मैंने बोला था ना मैं बर्बाद हो गया, मैं क्या करूं? एक मिनट टोनी स्टार्क, ये तो रोने लग गया भाई। मैंने पहली बार स्टार एंड स्काई गॉड को देखा और वो भी रो रहा है। मेरी मदद करो मेरे बच्चों, मैं तबाह हो गया। लेकिन सर, ऐसा हुआ क्या आपके साथ जो आप टूटा हुआ तारा और टूटा हुआ स्काई गॉड बन गए थे? बताता हूं, सब बताता हूं। ऐसा क्या बताने वाले हैं गाइस? एक समय की बात है जब मैं 30-headed स्टार एंड स्काई गॉड हुआ करता था। What? 30-headed star and sky god? अबे फ्रैंकलिन, literally में। और एक मिनट सर, ये कौन है? मेरा दुश्मन, all father lava and volcano god। अरे भाई फ्रैंकलिन, ये तो all father lava and volcano god है। ये कितने headed है? ये था 20-headed, मैं था 30-headed। उसमें और मुझ में सालों से लड़ाई चल रही थी। सालों से लड़ाई? बिल्कुल, हमारा युद्ध कम से कम 3 साल लगातार चला। मैंने उसको पीटने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। मैंने यहाँ तक अपने स्काई गॉड की पावर का इस्तेमाल करके उसको आसमान में अटकाने की कोशिश की। लेकिन फिर क्या हुआ? वो बहुत चालाक था, उसने मेरे हेड्स को पूरी तरह से कंट्रोल में रह लिया था मेरे बच्चों। उसके बाद उसने मेरे एक एक हेड को पूरी तरह से अपने लावा में डालने लग गया, जिस वजह से मेरे हेड्स पिघलने लगे। अब फ्रैंकलिन, धरती के नीचे लावा गॉड का पूरा राज है, और यहाँ पर हमारे स्काई एंड स्टार गॉड को ये आसमान से धरती में दफन कर रहा है, जिससे कि हमारा स्टार एंड स्काई गॉड हार जाए। बिल्कुल मेरे बच्चे, एक एक करके उसने कम से कम मेरे 10 heads धरती के लावा में समा दिए। और ये क्या हो रहा है सर? उसके बाद वोल्केनो गॉड ने अपनी टेलीकिनेसिस की शक्ति से मेरे 5 heads अपनी तरफ खींच लिए। लेकिन सर, वो आप सभी के इतने सारे हेड चुरा के करने क्या वाला था? उसने ना सारे गॉड से दोस्ती करने की सोची थी। सारे गॉड्स ने बदले में मेरे 15 heads मांगे थे, और वो मेरे 15 heads ले गया। उसके बाद जो कहानी खत्म नहीं हुई। इसका क्या मतलब है सर कि कहानी खत्म नहीं हुई? फिर अटैक हुआ एक और खतरनाक गॉड का। ओह माय गॉड गाइस, मैं तो सस्पेंस में हूं, नेक्स्ट गॉड कौन आने वाला है? नेक्स्ट गॉड आया ऑल फादर गोल्ड स्टोन एंड रेड स्टोन गॉड। अरे ये तो दो भाई हैं, मैंने हजारों साल पुरानी पुस्तकों में इनके बारे में सुना है। बिल्कुल फ्रैंकलिन, ये सबसे ही ज्यादा ब्रूटल गॉड्स हैं, और इतना ही नहीं फ्रैंकलिन, ये दुनिया के सबसे विशाल हाईएस्ट साइज के गॉड हैं। बिल्कुल सही कहा मेरे बच्चों, उस रेड स्टोन एंड गोल्ड स्टोन गॉड ने पत्थरों की शुरुआत कर दी, और उसने अपने पत्थरों को शोलों में बदल के मुझे पीटने लग गया। अरे भाई देख तो सही, रेड स्टोन गॉड एंड गोल्ड स्टोन गॉड हमारे स्टार एंड स्काई गॉड के आगे कितना बड़ा है। बिल्कुल फ्रैंकलिन, यही तो मैं देख रहा हूँ। इतना ही नहीं यार, ये तो यहाँ पर स्काई एंड स्टार गॉड के 15 head चुरा लिया। बिल्कुल मेरे बच्चों, बचे हुए 15 heads रेड स्टोन गॉड एंड गोल्ड स्टोन गॉड ने चुरा लिए। Oh my God! अरे ये तो बहुत गलत हुआ। फिर आपके साथ क्या हुआ? मैं बहुत छोटा हो गया और एक टूटे हुए तारे एंड स्काई गॉड में बदल गया। शुक्र है तुम्हारा कि तुमने मुझे बचाया। प्लीज मेरे बच्चों, मेरे सूट्स वापस ला दो। क्या सूट्स वापस ला दें? लेकिन हम आपके हेड्स वापस कैसे ला सकते हैं? जल्दी से फ्रैंकलिन बच्चे, अपना फोन निकाल। एक मिनट, फोन में क्या है? एक मिनट, यहाँ तो ताला हुआ है, इसको तोड़ मेरे बच्चे। गाइस लॉक कैसे तोड़ूं? फ्रैंकलिन, लॉक तोड़ने के लिए वीडियो लाइक चैनल सब्सक्राइब करा दे जल्दी। गाइस प्लीज जल्दी वीडियो लाइक कर दो, कम ऑन, हमेशा की तरह। और चैनल को सब्सक्राइब भी अगर चैनल पर नए हो तो, और कमेंट में एक बार 80 गेमर ओपी जरूर लिखना। क्या पता यहां पर ताला टूट जाए और हम अपने स्काई एंड स्टार गॉड के सारे हेड्स वापस उनको दे दें। एक मिनट, ऊपर क्या लिख रहा है? ऑल फादर स्काई एंड स्टार गॉड सूट शॉप। लेकिन यार ये सूट तो बहुत महंगे हैं, एक है 900 million dollar का, एक 2000 million dollar का। मेरे बच्चों इस गन को देखो। कौन सी गन? मेरे हाथ में जो है, इसका इस्तेमाल करके तुम किसी भी गॉड को पैसों में कन्वर्ट कर सकते हो। जाओ ज्यादा से ज्यादा
थोड़ा पैसा कमाओ और मेरे हेयर्स खरीद कर मुझे वापस करो, फिर मैं तुम्हें बदले में स्पेशल गिफ्ट दूंगा। ओ भाई ये गन कितनी पावरफुल है, चल टोनी स्टार्क जल्दी चलते हैं। फ्रैंकलिन सबसे पहले हमें किसी साइंस लैब में जाना होगा। हाँ गाइस साइंटिस्ट के पास ना आजकल बहुत ज्यादा गॉड्स के छोटे मोटे सैंपल्स हैं। टोनी स्टार्क देख एक ट्रक जा रहा है, उसमें कुछ गॉड्स के सूट है। अबे फ्रैंकलिन पीछा कर। अरे भाई पीछा करूं कि गोली मारूं? पहले पीछा कर फिर गोली मारना। जल्दी जल्दी चलो बरकरदार, इन गॉड्स को आज हमें जायंट बनाना है। अरे भाई जल्दी चल टोनी स्टार्क, वो उन छोटे छोटे गॉड के सूट को जायंट बनाने वाले हैं। अगर एक बार वो जायंट भरे, ये क्या चल रहा है? अरे कोई बचाओ। फ्रैंकलिन ये तो कुछ मासूम बच्चों की आवाज आ रही है। ओ नो टोनी स्टार्क कहीं इंसान? अरे भाई इन्होंने तो बच्चों से लेकर जानवरों तक किडनैप कर रखा है सबको। ये गॉड का बच्चा है, स्काई गॉड का बच्चा, और गाइस सन गॉड का बच्चा, और गाइस यहां पर ये क्या है? फ्रैंकलिन जरूर ये कोई ट्रैप है, हमें बच्चों को बचाना पड़ेगा भाई। और ये क्या चल रहा है? जल्दी जल्दी इनको जायंट बनाओ बरकरदार, फिर उसके बाद बहुत पैसा कमाएंगे। ओह नो गाइस ये साइंटिस्ट तो कुछ सूट्स को, अरे भाई यहाँ पर तो बहुत सारे सूट हैं। टोनी स्टार्क एक सूट का अगर 10 मिलियन मिला तो 4-5 सूट से तो 50 मिलियन कमा सकते हैं। बात तो सही कह रहा है फ्रैंकलिन, लेकिन तो ये जा किधर रहा है? पहले मैं उन मासूम बच्चों को बचाता हूँ। ये कोई बचा लो गाइस चलो। अबे क्या हो गया, क्यों कर रहा है? अरे भाई इसमें करंट था, बहुत हैवी करंट बचा। अबे करंट है तो बचा क्यों रहा है फ्रैंकलिन? वापस आप पागल, यहाँ पर हमें कोई रबर सूट ढूंढना पड़ेगा फिर उन बच्चों को बचाएंगे, या फिर इस ट्रांसफॉर्मर को पूरी तरह से डिस्पोज करना पड़ेगा। बात तो सही कह रहा है फ्रैंकलिन, मेरी बात सुन, इन बच्चों को हम बाद में बचाते हैं, पहले जाके साइंटिस्ट के उस एक्सपेरिमेंट को रोकते हैं, क्योंकि अगर वो सूट बड़े हो गए तो हम उसको पैसों में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। बात तो सही कह रहा है तू, लेकिन हम करें क्या? मेरे पास एक आइडिया। अरे भाई फ्रैंकलिन ये क्या यार, ये तो बड़े हो गए। बरकरदार ये तो बहुत बड़े हो गए, अब हम इनके एक सूट को ही कम से कम 15-20 मिलियन डॉलर में बेच डालेंगे। अब फ्रैंकलिन तू यही रोक, मेरे पास आइडिया है। ए टकले साइंटिस्ट मारा रे, ए मेरे भाई जिंदगी मारा, आ जाओ तुम्हारी हिम्मत मेरे पीछे। ए टोनी स्टार्क हम तुझे छोड़ेंगे नहीं, इनको अभी झटका लगवाता हूँ मैं, इन्हीं की दवाई इन्हीं को टेस्ट करवाता हूँ। करंट लगा दे रे गाइस। चलो बहुत बढ़िया, मैंने इन दोनों के बैंड बजा दिए, टोनी स्टार्क जीनियस जो ठहरा। अब यहाँ पर फ्रैंकलिन जल्दी से उनको पैसों में कन्वर्ट कर। ठीक है टोनी स्टार्क, रुक 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 अभी चलो चलो गाइस, चलो जल्दी से यहाँ पर जितने भी जॉइंट जॉइंट सूट्स है ना उनको पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। नहीं पहले छोटे वाले करता हूँ, क्योंकि ये भाग गए ना डर से दिक्कत हो जाएगी। अरे वाह एक सूट को कन्वर्ट करने पर टोनी स्टार्क 10 मिलियन मिल रहा है, वाह फ्रैंकलिन जल्दी जल्दी कर। वाह गाइस मेरे अकाउंट में 30 मिलियन हो गए। गाइस ये बड़े वाले सूट तो ज्यादा पैसा देने वाले हैं, चेक करते हैं ये हमारा। ओ माय गॉड एक सूट 50 मिलियन का, ये वाला सूट भी 50 का, टोनी स्टार्क हमारे पास 130 मिलियन आ गए। मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं बरकरदार। क्या बात है फ्रैंकलिन, लेकिन 130 मिलियन डॉलर में तुम कुछ कर नहीं सकते। पहले रुक मैं इन बच्चों को बचाता हूँ। शुक्रिया अंकल जी, आपने हमें बचा लिया, लेकिन आपने गलती कर दी। किस तरह की गलती? अब वो दोनों भाई जिसको लावा गॉड एंड वोल्केनो गॉड बोलते हैं वो आपको छोड़ेंगे नहीं। अरे बच्चों तुम चिंता मत करो, मेरी चिंता मत करो, तुम जाओ जाओ कम ऑन। अरे शुक्रिया अंकल जी। गाइस हमने ना जानवरों से लेके बच्चों तक बचा लिया, बहुत बढ़िया फ्रैंकलिन, लेकिन ऑल फादर लावा एंड वोल्केनो गॉड कभी भी आते होंगे हमें निकलना होगा। अरे भाई ये क्या, तुमने हमारे साइंटिस्ट को पीटा, हमारे बिजनेस में जो प्रॉब्लम डालता है हम उसको तबाह कर देते हैं। बिल्कुल मेरे भाई, चलो अब इनको जहन्नुम में भेजते हैं। अरे टोनी स्टार्क ये हमें लावा में भेजने की बातें कर रहे हैं। फ्रैंकलिन अरे गाइस ये क्या करो, भला होए बुरा ये क्या चल रहा है? टोनी स्टार्क हमें हमें सूट खरीदने में कितना टाइम लगेगा? भाई हमें 900 मिलियन डॉलर चाहिए। बिल्कुल हमारे पास तो सिर्फ अभी 130 मिलियन डॉलर है टोनी स्टार्क। अबे फ्रैंकलिन मैं चल रहा हूँ बचा मुझे। अरे भाई मुझे भी बहुत गर्मी लग रही है, मैं भी जलने लग गया। गाइस कमेंट में प्लीज फ्रैंकलिन ओपी लिखिए, टोनी स्टार्क हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं, मर जाएंगे। टोनी स्टार्क प्लीज क्यों ना तू ट्राई कर उस गन का इस्तेमाल करके इन्हीं को पैसों में कन्वर्ट करने का। बात तो तू सही कह रहा है फ्रैंकलिन, तू चिंता मत कर मैं ट्राई करता हूँ। गाइस अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ये मारा अरे हो जाना, ये मारा हो जा ये। अरे वाह फ्रैंकलिन वाह, हमें 770 मिलियन डॉलर मिल चुके हैं हमारे अकाउंट में। देख फ्रैंकलिन 900 मिलियन हो गए। वाह टोनी स्टार्क चल जल्दी भागते हैं। वाह मेरे बच्चों तुम वापस आ गए। अरे सर ऑल फादर लावा गॉड एंड वोल्केनो गॉड बहुत बुरे थे, लेकिन हमने सबको उनसे बचा लिया, और आपके लिए हम 900 मिलियन डॉलर लेकर आए। बच्चे जल्दी से उस वेबसाइट से सूट खरीद ले इससे पहले कि कोई और उसको छीन ले। बिल्कुल गाइस हम ऑल फादर स्काई एंड स्टार गॉड का एक सूट खरीदने जा रहे हैं। वाह फ्रैंकलिन वाह कमाल कर दिया ना हमने। बिल्कुल और गाइस ये खरीदा सूट, गाइस हमारे स्काई गॉड एंड स्टार गॉड को देखिए, अब वो नॉर्मल नहीं रहे, अब वो ऑल फादर 50
15-headed All Father इसका एंड स्टार गॉड बन गए। बोल फ्रैंकलिन, लेकिन अब हमें हमारा गिफ्ट भी मिल जाता तो अच्छा होता। पीछे, अरे भाई ये रहा तुम्हारा गिफ्ट मेरे बच्चों, ये तो इसका एंड स्टार गॉड का हल्क वर्जन वाला सूट है। टोनी स्टार्क देख मुझे, अबे भाई तुम मेरा सूट देख, ये भी एक स्टार एंड स्काई गॉड का आयरन मैन वाला सूट है। गाइस अभी हमें चाहिए $2,000 million, हम इन पैसों को लेके रहेंगे क्योंकि हमें अपने ऑल फादर स्टार एंड स्काई गॉड की मदद जो करनी है। तो चलो गाइस जल्दी जाते हैं। एक मिनट फ्रैंकलिन, सामने देख, ओ माय गॉड टोनी स्टार्क, ये तो भाई ये ऑल फादर रेड स्टोन एंड गोल्ड स्टोन गॉड है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो इंसान? एक मिनट मेरे भाई, ये तो स्टार एंड स्काई गॉड के दोस्त लगते हैं, इन्होंने उन्हीं तरह का सूट पहना हुआ है, उसको तो हमने मार दिया था। एक मिनट फ्रैंकलिन, ये क्या है भाई? ये तो मुझे स्टोन गॉड के कुछ सूट लगते हैं, लेकिन इस तरह के अजीब सूट क्यों हो सकते हैं? मेरे पास एक आइडिया है, तू ना इनको शूट करके देख, क्या पता इनको शूट करने पर हमें पैसा मिले, ये भी पैसों में कन्वर्ट हो जाए। मुझे तो नहीं लगता। गाइस मुझे तो लगता है, कितने बच्चों को लगता है हमें इनको पैसों में कन्वर्ट करने के पैसे मिलेंगे? मार के देख लेता हूँ। अब फ्रैंकलिन तू सही कर रहा था, स्टोन के अंदर से एक सूट निकला और जैसे ही वो निकला मैंने उसको पैसों में कन्वर्ट कर लिया। गाइस मेरा आइडिया सही निकला ना? बिल्कुल फ्रैंकलिन, देख जैसे ही मैंने मारा इसके अंदर एक और सूट निकला। भाई टोनी स्टार्क तो अमीर हो जाएगा। अरे भाई मैं भी हो जाऊंगा। बिल्कुल फ्रैंकलिन, समझ गया। गाइस हमें यहां पे काफी पैसे मिल रहे हैं और मारते हैं। टोनी स्टार्क जल्दी पैसों में कन्वर्ट कर। ये क्या कर रहे हो? लगता है मेरे भाई ये उस स्टार एंड स्काई गॉड को वापस जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। अब फ्रैंकलिन ये लोग तो गुस्सा हो गए। ओह माय गॉड, ये रेड स्टोन गॉडों ने जैसे यहां पर हमारे स्टार एंड स्काई गॉड को मारा था, ये हमें भी ऐसी मारने की कोशिश कर रहे हैं। टोनी स्टार्क, अब फ्रैंकलिन मैं दबने वाला हूं, भाई मुझे भागने दे यहां से। अबे भाग कर जाएंगे क्या? आइडिया, टोनी स्टार्क अपनी गन निकाल। अबे टोनी स्टार्क गन निकाल के जल्दी से उनको पैसों में कन्वर्ट कर। अबे मैं दब गया फ्रैंकलिन, निकाल मुझे। गाइस कमेंट में जल्दी आयरन मैन ओपी लिखो, प्लीज लिखो। अबे फ्रैंकलिन तू तो खुद ही मर रहा है मेरे भाई। कैसा लग रहा है इंसानो गॉड से लड़कर? हां अरे बहुत बुरा लग रहा है। गाइस बहुत हो गया, मुझे गुस्सा आ रहा है। मैं भी एक ऑल फादर स्टार एंड स्काई गॉड का दोस्त हूं, मैं हूं एक स्टार एंड स्काई गॉड हल्क। और गाइस अब देख फ्रैंकलिन, तू ने यहां पर मुझे बाहर तो निकाल दिया, अब मैं जल्दी से इसको पैसों में कन्वर्ट करता हूं। वाह फ्रैंकलिन वाह, मेरे पास 2,000 million हो गए। भाई तेरे पास क्या, मेरे पास भी हो गए। अरे वो छोड़ फ्रैंकलिन, ये देख यार क्या ऑसम चीज है। ये क्या है फ्रैंकलिन? ये जरूर हमें हमारे घर तक पहुंचाएगी। अरे वाह ये तो एक जादुई पोर्टल है। अरे वाह गाइस हम अपनी दुनिया में वापस आ चुके हैं। लेकिन एक मिनट, हमारा स्टार एंड स्काई गॉड कहां पर है? गाइस चलो जल्दी से अपने स्टार एंड स्काई गॉड के पास चलते हैं और जाकर उसको सूट देते हैं। वाह मेरे बच्चों तुम वापस आ गए। बिल्कुल सर, हम आपके लिए बहुत ही स्पेशल गिफ्ट लेकर आए, उसके बाद फिर आप हमें गिफ्ट देना। बिल्कुल, तो गाइस अब हम $2,000 million में ऑल फादर स्काई एंड स्टार गॉड का सूट खरीद जा रहे हैं। गाइस बिलीव मी दिस इज ह्यूज, ये कुछ ज्यादा ह्यूज नहीं है। वाह मेरे बच्चों वाह, मैं तो दुनिया का सबसे ज्यादा विशाल हेडेड वाला और जायंट, यहां तक कि ऑल फादर रेड स्टोन एंड गोल्ड स्टोन से भी ज्यादा जायंट हेडेड स्टार एंड स्काई गॉड बन चुका हूं। लेकिन सर हमारे गिफ्ट का क्या? बिल्कुल सर, तुम्हारे गिफ्ट भी तुम्हें ये दिए जाते हैं। ओके गाइस, मेरे पास पहले ये वाला सूट था, लेकिन अब मेरे पास जायंट स्काई एंड स्टार गॉड का हल्का सूट आ चुका है। नहीं नहीं गाइस, मेरे पास तो यहां पर जायंट स्काई एंड स्टार गॉड का आयरन मैन वाला सूट आ चुका है। वैसे गाइस आपको किसका सूट अच्छा लग रहा है, मेरा या फ्रैंकलिन का, कमेंट में लिखकर जरूर बताओ। और हां बाकी स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रहे हैं वो भी देख लीजिए, बहुत मजा आएगा। थैंक यू सो मच। हे